गाइस, वीडियो मार्केटिंग की लेक्चर सीरीज में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। देखिए, वीडियो अपलोड करने का प्रॉपर तरीका आ गया, आप अपनी वीडियो रैंक करा लेंगे यूट्यूब में। तो कैसे वीडियो अपलोड करना होता है प्रॉपर वे में? प्रॉपर वे में टाइटल देना होता है, मेटा टेक्स्ट देना होता है, डिस्क्रिप्शन देना होता है, थंबनेल देना होता है, सब कुछ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी वीडियो देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। उसके पहले मैं बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने डिजिटल शिवम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो डिजिटल शिवम चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। हम लोग डेली लाइव आते हैं 5 PM पर, तो हमारी लाइव क्लास भी अटेंड करें 5 PM पर। तो चलते हैं, बात करते हैं कैसे यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करनी होती है, कैसे टाइटल देना होता है, कैसे मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स, सब कुछ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो मैं अपने YouTube अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। मेरा YouTube अकाउंट पहले से ही ओपन है, मैं एक दूसरा अकाउंट ओपन कर रहा हूँ डेमो के लिए। सो देखिए, ये यहाँ पे एक सिंबल आता है क्रिएट, आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। देन आपको क्लिक करना है अपलोड वीडियोस पे, देन आपको क्लिक करना है अपलोड वीडियोस पे। देन आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा, देन मैं बताऊंगा कैसे आपको वीडियोस अपलोड करनी होती है यूट्यूब पर। सो आपके पास ये इंटरफेस आ गया। अब आपको सबसे पहले एक सिलेक्ट फाइल करनी है, जो भी वीडियोस आप अपलोड करना चाहते हैं उसको करना है आपको सिलेक्ट। सो मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी वीडियो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर ली यहाँ पर। सो ये वीडियो देखिए, सिलेक्ट होने के बाद ये वीडियो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो चुकी है। देन नीचे आप स्पीड देख सकते हैं कितनी स्पीड में ये देखिए अपलोड भी हो चुकी है। अभी बस हमें इसमें पूरा प्रॉपर व्यू में हमें सब कुछ देना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल एंड प्लेलिस्ट एंड सब कुछ हमें देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल की। सो देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। सो मैंने यहाँ पे जूम कर दिया इसको। देन हम बात कर रहे हैं टाइटल की। सो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल की। टाइटल क्या होता है? देखिए, टाइटल में हमें अपनी वीडियो के बारे में डिस्क्राइब करना होता है कि हमारी वीडियो किस बारे में है। तो हम टाइटल में कीवर्ड्स भी लेंगे क्योंकि कीवर्ड्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टाइटल में। देखिए, टाइटल की लेंथ होती है 100 वर्ड्स, आप इसको याद रखना है। यहाँ पे 100 वर्ड्स की टाइटल की लेंथ होती है। सो मैं एक टाइटल यहाँ पर ले लेता हूँ। सो मैंने एग्जाम्पल के लिए ये टाइटल ले लिया है। देखिए, मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। सो मैंने एग्जाम्पल के लिए एक टाइटल ले लिया है। अभी आप देख सकते हैं मैंने वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिस्क्राइब किया, इसीलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग का टाइटल ले लिया है। बट आप एक बात ध्यान से देखें, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड लिया हुआ है बार बार, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आपको एक से दो बार अपना कीवर्ड लेना है। कीवर्ड क्यों लेना है? देखिए, इसलिए लेना है क्योंकि एक बार आपके कीवर्ड पर आपकी वीडियो रैंक कर गई तो आपके व्यूज और सब्सक्राइबर आना इजीली स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे कीवर्ड पर रैंक करेगी? जब भी यूजर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा, यहाँ पर जब भी यूजर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा, देन अगर आपकी वीडियो रैंक कर जाती है डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पर और आपकी वीडियो में होता है अच्छा वॉच टाइम, देन आपकी वीडियो इजिली रैंक कर जाएगी इस कीवर्ड पर। तो आपको क्या करना है? आपको देखिए अपने टाइटल में कीवर्ड्स मेंशन करना है, कीवर्ड्स प्रॉपर वे में मेंशन करना है इस टाइप से। जैसे देखिए, मैंने एग्जांपल के लिए कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी एंड हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग। एंड देन यही टाइटल आपको एक बार पहले यहाँ से कॉपी करना है एंड डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना। एक बार आप इसको पेस्ट कर दें, एक बार आप पेस्ट कर दें, फिर इसमें 2-3 हैशटैग का यूज कर लें, 2 से 3 बार हैशटैग का यूज कर लें, अलग अलग हैशटैग के, जो हैशटैग आपकी वीडियो के बारे में। जैसे एक बार मैंने डिजिटल मार्केटिंग यूज कर लिया है, दूसरी बार मैंने यूज कर लिया ऑनलाइन मार्केटिंग। जो भी आपकी वीडियो, जिस बारे में भी आपकी वीडियो है, उस बारे के उसके हैशटैग यूज कर लें। सो एक हैशटैग मैंने यूज कर दिया ऑनलाइन मार्केटिंग। इस टाइप से 2 से 3 आप हैशटैग यहाँ पर यूज कर लें। और उसके बाद देखिए थंबनेल होता है। सो थंबनेल कैसे डिजाइन करना है, इसकी बात हम आगे कर रहे हैं, सब कुछ बताएंगे कैसे थंबनेल डिजाइन करना होता है। देन अगर आप प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट आप बना सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन की लेंथ 5000 वर्ड्स की होती है, सब कुछ बताऊंगा। सो चलते हैं अपनी एक बार वीडियो पर। अब मैं अपनी एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ कोई भी, और करते हैं उसको एडिट। सो चलते हैं एक बार वीडियो पर और करते हैं कस्टमाइज चैनल। अपनी एक वीडियो में बताता हूँ कैसे मैं डिस्क्रिप्शन देना होता है प्रॉपर वे में। सो मैं अपनी वीडियो एक ओपन कर रहा हूँ। सो मैंने अपनी लाइव वीडियो ओपन कर ली। देखिए, लाइव वीडियो में सबसे पहले मैंने टाइटल में बताया इंस्टाग्राम के बारे में, तो आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम कीवर्ड्स का मैंने यूज किया है। उसके बाद हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में हम आने के बाद देखेंगे, सबसे पहले मैंने हैशटैग का प्रॉपर वे में यूज किया है, आपको भी हैशटैग का इस वे में यूज करना है। आप मेरे स्टूडेंट, इसलिए सब आपको मैं बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ।
तो आपको प्रॉपर वे में अपना YouTube चैनल वर्क करना है, आपको YouTube चैनल पर काम करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिंक्स यूज करनी है आपकी पुरानी वीडियोस की, क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा आप लिंक्स यूज करेंगे आपके उस, देखिए यहाँ पर यूजर आपकी वीडियो देखेगा, आपके सब्सक्राइबर आपकी वीडियो देना, और दूसरी लिंक पर भी रिडायरेक्ट हो जाएंगे, देन मैंने दूसरी लिंक्स का भी यूज किया हुआ है, और इस टाइप से मैंने सभी यूट्यूब वीडियोज की लिंक का यूज किया हुआ है, इंस्टाग्राम की लिंक्स का यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम की लिंक का भी यूज किया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो आपको भी इस टाइप से प्रॉपर वे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन की लेंथ होती है 5000 वर्ड्स, तो आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं 5000 वर्ड्स तक। देखिए जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे यूजर, देखिए यूजर का एक्सपीरियंस उतना अच्छा होने वाला है, और ये डिस्क्रिप्शन देखिए जैसे यूट्यूब के लाइक हम बोल सकते हैं क्रॉलर्स होते हैं, जो आपके जो भी डिस्क्रिप्शन होता है उसको क्रॉल करते हैं कि आपका डिस्क्रिप्शन किस बारे में बता रहा है, आपकी वीडियो को डिस्क्राइब कर रहा है या नहीं आपका डिस्क्रिप्शन, ये सब देखिए क्रॉल किया जाता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन अपनी वीडियो के बारे में सब कुछ बताना है, पूरी डिटेल में बताना है कि आपने वीडियो में क्या दिया हुआ है, किस बारे में वीडियो है, एंड देन आपको प्रॉपर वे में हैशटैग यूज करने हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में हैशटैग यूज करने हैं। उसके बाद फिर से चलते हैं हम वहीं पर, सो ये बात हो गई डिस्क्रिप्शन की, देन हम बताते हैं आपको थंबनेल। अभी थंबनेल कैसे बनाना होता है, तो सबसे पहले हमें थंबनेल बनाने के लिए यहाँ पे ओपन करना है कैनवा। देखिए सिंपल आपको कैसे बनाना होता है थंबनेल, देखिए मैं बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। थंबनेल डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स मिल जाती है हमें थंबनेल की, सो हम उन टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। सो मैंने ओपन कर लिया कैनवा, देन यहाँ पे देखिए आप यूट्यूब में जाएंगे, देखिए यूट्यूब चैनल आर्ट, यहाँ पे यूट्यूब, देखिए यूट्यूब थंबनेल, देन आपको क्लिक करना है यूट्यूब थंबनेल में, दैट्स इट, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपके पास ये थंबनेल का साइज ओपन हो जाएगा, देन आप इस साइज को जैसे मैंने डिजाइन करना सिखाया है, जिसको नहीं पता कैसे डिजाइन करते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग पार्ट वन देख लीजिए, मैंने वहां पे सिखाया है कैसे इसको डिजाइन करते हैं, देन आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाएगा। अभी मैं कुछ यहाँ पे लिखूंगा तो नहीं, बट मैं थोड़ा सा आपके सामने डिजाइन कर दूंगा जिससे आपको और अच्छी समझ में आए। देखिए मैंने ये यहाँ पे ले लिया एक टेस्ट, सो मैंने ये टेस्ट यहाँ पे कर दिया कॉपी, दैट्स इट, मैं इतना ही थंबनेल ले रहा हूँ, अभी एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। सो इस टाइप से मैंने यूट्यूब का थंबनेल बना लिया, देख सकते हैं आप मैंने बना लिया, देन आपको यहाँ से सिंपली एक डाउनलोड पर आ जाना है, देन आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सो सिंपली एक मैं थंबनेल डाउनलोड कर लिया है, मैंने देख रहे हैं आप यहाँ पे 1 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा, देन हम इसका यूज करेंगे अपने थंबनेल में, और अपना देखिए वीडियो अट्रैक्टिव बना लेंगे, सभी को थंबनेल यहाँ पर यूज करना है, वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए थंबनेल का जरूर यूज करना है, देन हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, देन देख सकते हैं अपना थंबनेल यूज हो चुका है। अब थंबनेल के बाद आते हैं हम प्लेलिस्ट पे, देखिए अगर हम चाहते हैं कोई प्लेलिस्ट है मेरी पहले से उसमें ऐड करना कर सकते हैं, अदरवाइज देखिए कोई न्यू टॉपिक है तो न्यू प्लेलिस्ट हम बना सकते हैं। अभी मुझे कोई प्लेलिस्ट में ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, आप ऐड कर सकते हैं कोई प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। फिर ऑडियंस के सेक्शन में देखिए नो इट्स नॉट फॉर किड्स, तो आप इसको चूज कर सकते हैं, अगर आपकी वीडियोस किड्स से रिलेटेड है आप किड्स को भी चूज कर सकते हैं। और उसके बाद आना है आपको मोर ऑप्शंस में, मोर ऑप्शंस में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है टैग्स। अभी यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों मानते हैं, क्योंकि टैग्स देखिए जिस भी टैग पर आपकी वीडियो रैंक कर जाती है वो सर्च रिजल्ट्स में आ जाती है, तो टैग को प्रॉपर वे में देना ही आपका मेन एम होना चाहिए। कैसे टैग को आपको प्रॉपर वे में देना होता है मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ कुछ टैग्स को, देखिए मेरे भी कुछ टैग्स अभी यहाँ पे रैंक कर रहे होंगे, देख सकते हैं आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कुछ टैग्स देखिए हाउ टू, देखिए ऑप्टिमाइज इंस्टाग्राम बायो 7 पर रैंक कर रहा है, बेस्ट टेक्स्ट ऑफ टूल इंस्टा 2nd पर रैंक कर रहा है, तो देखिए ये कुछ टैग्स रैंक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम बायो इन 2023 पर रैंक कर रही है, सो कुछ टैग्स इस टाइप से, ये थर्ड सेकंड का क्या मतलब है, सेकंड नंबर पर अपनी वीडियो आएगी जब भी आप ये टाइप करेंगे, आप टाइप करके देख लें, एंड देन थर्ड नंबर पर वीडियो आएगी जब भी आप ये टाइप करेंगे, तो ये टैग्स देने बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो सेकंड नंबर थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर पर आए सर्च में, देन आपको टैग देने जरूरी है। ये #324 किस टाइप से बता रहा है, आपको यूज करना है vidIQ एक्सटेंशन, मैं बताऊंगा बहुत जल्दी vidIQ एक्सटेंशन के बारे में फिर से, क्योंकि एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं, देन आपको समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं हम अपनी उसी अकाउंट पे और चलते हैं टैग्स को देते हैं। तो सबसे पहले मैंने टैग्स दे दिया, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ टैग्स दे रहा हूँ, आपको इसी प्रॉपर वे में टैग्स देने हैं। सबसे पहले मैंने टैग दे दिया अपना, एक अपने टाइटल से ले लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, पहला टैग मैंने दे दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप देख सकते हैं मैंने एक टैग दे दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब आपको अगर टैग्स का आइडिया नहीं है, अगर आपको टैग्स का आइडिया नहीं है, देन आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल, बेस्ट टूल है टैग्स के लिए। आपको यहाँ पे ओनली डिजिटल मार्केटिंग टाइप करना होता है, आपको यहाँ पे टाइप करना है डिजिटल मार्केटिंग,
आपको यहाँ पे टाइप करना होता है डिजिटल मार्केटिंग एंड देन आपको करना होता है सर्च, क्योंकि कभी कभी में आइडियाज नहीं होते हैं कि लोग क्या सर्च करते हैं, कभी कभी में आइडिया नहीं होता है कि देखिए व्यूअर्स क्या सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो उसके लिए हम इस टूल की मदद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं सर्च वॉल्यूम कितना है इसका, 99500, इतना सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का। तो मैंने ये कीवर्ड तो ऑलरेडी यूज किया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ इस कीवर्ड को यूज करना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, देन इसको यहाँ से कॉपी कर लेना और फिर उसको अपने YouTube पर जाके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। मैं बता दूँ यहाँ पे की जो टैग्स दे सकते हैं आप 500 कीवर्ड्स तक दे सकते हैं, यानी 500 वर्ड्स तक आप टैग्स दे सकते हैं। अभी मैंने 62 वर्ड्स यूज कर लिए, इसी टाइप से हमें मिनिमम 400-500 वर्ड्स यूज कर लेना है। आप यहाँ से करके इसी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF, देन इजिली आप दे सकते हैं। फिर आपको वन बाय वन करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर लें एंड देन आप दे दें। फिर अगला टैग दे दी मैंने डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स। देखिए सबसे बेस्ट टैग यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि सर्च वॉल्यूम के हिसाब से आ रहे हैं, आप इनको ले सकते हैं, इन टैग्स को आप यूज कर सकते हैं। देन थर्ड मैंने दे दिया डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स एंड फोर्थ टैग हम देखते हैं क्या आ रहा है वहां पे। फोर्थ टैग मैंने दे दिया डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। जो जो टैग हमें बेस्ट लगे हम उन टैग्स का यूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल, इस टाइप से मैंने फोर्थ टैग दे दिया। इस टाइप से आपको टैग्स दे देने हैं, आपको यहाँ पे लिमिटेड टैग्स नहीं देने, आपको देने अप्रोक्स 50, आप 500 वर्ड्स तक की भी टैग्स दे सकते हैं, आप 400 वर्ड्स तक की भी टैग्स दे सकते हैं। जितने ज्यादा टैग्स देंगे उतने ज्यादा टैक्स पे आपकी वीडियो रैंक करने पॉसिबल है, उतनी वीडियो उन टैक्स पर रैंक करना पॉसिबल है। तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें जिससे आपकी वीडियो कोई ना कोई कीवर्ड पर रैंक कर जाए। सो मैंने एक टैग दे दिया डिजिटल मार्केटिंग कैरियर एंड देन अगला एक और टैग दे दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सो इस टाइप से आपको यहाँ से टैक्स कॉपी करने हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है टैक्स के बारे में तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं, बेस्ट टूल है टैक्स के लिए, तो आप इसका प्रॉपर वे में यूज कर सकते हैं। एक एक टैग और दे देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। सो हम चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। मैंने ये वाला टैग यहाँ से कॉपी कर लिया, देन इसको हम दे देते हैं फिर से यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से हमने टेक्स्ट दे दिए, देन हम उसके नीचे स्क्रॉल करते हैं, फिर आता है लैंग्वेजेस का सेक्शन। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, यू कैन सिलेक्ट जो भी आपकी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को कैप्शन के बारे में सिलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग टाइम सिलेक्ट करते हैं, वीडियो की लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन में आप दे सकते हैं जो भी आपको लोकेशन देनी है, लाइक मैं एग्जाम्पल के लिए मुंबई दे रहा हूँ, जहाँ पर भी आप हैं वो लोकेशन दे दें। सो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल की मुंबई दे रहा हूँ। ये बाय डिफॉल्ट होती है, अगर आपको नहीं देना है लोकेशन देना आप नहीं देते, नहीं देना आप, ठीक है। अगर आपको नहीं देना, फ्री लाइसेंस होता है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन्स, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रखना है अगर आप रखना चाहते हैं स्टैंडर्ड। अगर कोई ऑप्शन आपको चूज करना है देन आप क्रिएटिव कॉमन्स रखना चाहते हैं क्रिएटिव कॉमन रख सकते हैं, मैं रखता हूँ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस बेस्ट रहता है। देन हम लोग बात करते हैं, सो हम आ गए कैटेगरी पे। देखिए कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी वीडियो को वायरल करने में, आपको बिल्कुल बेस्ट कैटेगरी चूज करनी है जिससे भी रिलेटेड आपकी वीडियो हो। ऐसा नहीं आपकी वीडियो रिलेटेड है एंटरटेनमेंट से आप यूज करें एजुकेशन, आपकी वीडियो है कॉमेडी आप यूज कर रहे हैं साइंस, ऐसा नहीं करना। जिससे भी रिलेटेड यहाँ पर आपकी वीडियो होगी उससे ही रिलेटेड आपको कैटेगरी चूज करनी है। मेरी वीडियो है एजुकेशन से रिलेटेड, मैंने चूज कर लिया एजुकेशन। आपकी वीडियो अगर साइंस से रिलेटेड होगी तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको चूज कर लेना है। सो मैंने यहाँ पे एजुकेशन चूज कर लिया है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट करते हैं अभी हम इसको, देन मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया है। अभी देखिए दो स्क्रीन आएंगी, एंड स्क्रीन, एंड स्क्रीन हमारी एंड्स में आती है, जो एंड में स्क्रीन आती है। अभी ये वाला ऑप्शन मेरे में शो नहीं हो रहा है, अदरवाइज मैं बताता एंड में जो अपनी स्क्रीन आती है उसको बोलते हैं एंड स्क्रीन। एंड में जो आता है अपने सब्सक्राइबर का बटन उसको हम बोलते हैं एंड स्क्रीन। सो हम एंड स्क्रीन ऐड कर सकते हैं और कार्ड हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कार्ड मीन्स यहाँ पे जो आई बटन आता है थंबनेल में उसको हम बोलते हैं कार्ड। सो हम कार्ड में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी एक वीडियो ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाली वीडियो ऐड कर देता हूँ कार्ड में। तो इस टाइप से जो आई बटन में जो वीडियो आती है उसको बोलते हैं हम कार्ड। तो हम इसमें कार्ड में ऐड कर सकते हैं, देन हम इसको कर देते हैं सेव, देन ये कार्ड में ऐड हो गई। अब हमें करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट देन हम लास्ट सेक्शन में आ गए हैं। देखिए पब्लिश, अब आपको सिंपली पब्लिश करना है। अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं शेड्यूल कर सकते हैं कि हम मेरी वीडियो पर्टिकुलर इस टाइम पर पब्लिश हो, तो आप उस टाइम के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। अदरवाइज आप पब्लिश कर सकते हैं, अनलिस्टेड कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, जो भी आपका चूज। अभी मैं पब्लिश कर देता हूँ, देन हमारी वीडियो पब्लिश हो जाएगी। अभी मैं वीडियो पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। सो चलते हैं एक बार अपनी वीडियो पर, है ना, आपको एक बार अपनी वीडियो दिखाते हैं। सो मैं अपने एक चैनल पर आ गया हूँ एंड सो मैं अपने अकाउंट पर आ गया हूँ। मैं अपने अकाउंट पर आपको शो करा रहा हूँ। देखिए इस टाइप से भी मैंने भी डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स का यूज किया हुआ है, आप भी देख सकते हैं इस टाइप से टेक्स्ट का यूज किया हुआ है। सो इस टाइप से ही आपको यूज करने हैं। देन आपने आई होप अभी तक अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा, देन आप वीडियो भी अपलोड करने वाले होंगे एक दो दिन में। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो और इस मेथड को अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। यहाँ पर चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, डेली क्लास होती है, लाइव क्लास होती है 5 PM 9 PM पर, तो अटेंड करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।